दोस्तों फिल्मी टॉकीज की एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ फिल्म से जुड़ी 10 बड़ी अपडेट्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों थलापति फैंस के लिए बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट वाली बात थी जिस दिन खबर आई कि थलापति आप मूवी नहीं करेंगे क्योंकि ही विल बी ज्वाइनिंग इनटू अ पॉलिटिकल पार्टी एंड फिलहाल अभी वो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। लेकिन गुड न्यूज ये है कि थलापति का अपकमिंग मूवी गोट यानी कि द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का रिलीज डेट कंफर्म हो चुका है जो कि है September 5। और इस मूवी का पहला गाना भी रिलीज कर दिया गया है। तो कुर्सी के पेटी बांध लीजिए क्योंकि थलापति मतलब बॉक्स ऑफिस पे तबाही। लास्ट ईयर हमें रजनीकांत सर की जेलर मूवी देखने को मिली थी जो काफी हिट रही थी। तो गुड न्यूज ये है कि जेलर का सीक्वल बनेगी जिसका टेंटेटिव टाइटल होगी हुकुम। रजनीकांत सर ने अप्रूवल दे दिया है स्क्रिप्ट डेवलपमेंट के लिए। प्री प्रोडक्शन का काम शुरू होगा June 2024 में। नीतीश तिवारी की रामायण से भी अपडेट है। यश ने साफ साफ बोल दिया है कि उनको अभी फिलहाल कोई नेगेटिव रोल नहीं करना है क्योंकि दिस इज द पीक टाइम ऑफ हिज करियर एंड इस टाइम ऑडियंस उनको नेगेटिव रोल में देखना पसंद नहीं करेंगे। तो रामायण में यश सिर्फ को प्रोड्यूसर रहेगा, ही इज नॉट प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ रावण। बट मुझे पर्सनली लगता है कि इस फिल्म के साथ यश का जुड़ना वो भी एज अ को प्रोड्यूसर ये बात हजम होने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि मूवी का हाइप बढ़ाने के लिए सब किया जा रहा है। भाईजान का इस बार ईद में कोई मूवी नहीं आया लेकिन सलमान ने अपने फैंस के लिए ईदी दिया है अपनी नई फिल्म की पोस्टर रिलीज करके जो कि सिकंदर गजनी बना चुकी ए आर मुर्गादॉस इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। सलमान खान ने ट्वीट करते हुए यह बताया कि इस बार ईद में मैदान और बड़े मियां छोटे मियां देख लो, अगली ईद में भाईजान खुद आएगा धमाका करने। सिकंदर के ऊपर एक सेपरेटेड वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगी। रिसेंटली एक इंटरव्यू में संदीप रेड्डी भांगा ने अपनी अपकमिंग फिल्म की बजट बताई जो कि है 300 करोड़। और डायरेक्टर ने यह भी बताया कि फिल्म अपने रिलीज के पहले ही दिन 150 करोड़ की ओपनिंग लेगी। प्रभास है तो कॉन्फिडेंस तो रहेगा ही। संदीप ऑल्सो सेड कि ही हैड अ विश टू मेक अ माइकल जैक्सन बायोपिक मूवी वेयर ही वांट्स टू सी अल्लू अर्जुन इन द लीडिंग रोल। तो भूल भुलैया 3 का शूटिंग जोरों शोरों से चल रहा है दोस्तों। हाल ही में कार्तिक आर्यन को कलकत्ता की हावड़ा ब्रिज में बाइक लेकर दिखाई दी। अब मंजुलिका के शहर में रू बाबा क्या कर रहा है कमेंट करके बताइए दोस्तों। और हाँ इस बार मंजुलिका मतलब विद्या बालन भी होगी इस मूवी में। जगपति बाबू पुष्पा 3 में मेन विलेन का रोल प्ले कर सकता है ऐसा उन्होंने एक रिसेंट इंटरव्यू में कहा है। अब पुष्पा 3 मतलब पुष्पा द रोल में जगपति बाबू मेन विलेन होगी लेकिन पुष्पा 2 द रोल में कौन होगी, फहद फसील या कोई और? तो कल की मेकर्स ने पहले ऑफिशियली कंफर्म कर दिया था कि मूवी 9 मई को रिलीज होगी लेकिन इलेक्शन के वजह से मूवी का रिलीज डेट पोस्टपोन हो चुकी है जो कि होगी 30 मई और जून में भी हो सकता है। तो कल की मूवी का मेकर्स ने अपना दिमाग लगाया और सोचा कि इस बार कुछ नया किया जाए। तो ये लोग रिलीज करने वाले एक प्री लोडेड एनिमेटेड टीजर ग्रीन गोल्ड एनिमेशन जो कि हमारी बचपन की फेवरेट कार्टून कृष्णा एंड छोटा भीम बनाया था वो अब कल की मूवी के साथ जुड़ गया है और इस एनिमेटेड टीजर में काम करेंगे जो कि हमें बहुत ही जल्दी देखने को मिलेंगे। देवारा मूवी की डेट और एक्सटेंड नहीं होगी, ये सीधा 10 अक्टूबर को रिलीज होगी वर्ल्ड वाइड ऐसा कंफर्म किया गया है मेकर्स की तरफ से। धर्मा प्रोडक्शन यानी करण जौहर ने अब देवारा फ्रेंचाइजी के साथ कोलाबोरेट कर लिया है। सिंघम रिटर्न्स जो कि क्लैश करने वाली थी पुष्पा 2 के साथ उसको फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। सुनने को आ रहा है कि फिल्म दिवाली में रिलीज होगी लेकिन भैया दिवाली में तो ऑलरेडी भूल भुलैया 3 ऑफिशियली रिलीज होने वाला है तो एक साथ 2 बड़ी मूवी बॉलीवुड से। तो आगे अपडेट आएगा तो आपको बताएंगे। तो इतना ही था दोस्तों फिल्मी टॉकीज एपिसोड नंबर 2। आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।